मंत्री जी, क्या समाचार लाए? उचित सूचना नहीं है महाराज, हम सुनना चाहते हैं। क्षमा करिए प्रभु, आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, अर्थात आप फेल हो गए महाराज। किंतु ये कैसे हो सकता है, हमने तो परीक्षा में सब कुछ लिखा था। हे राजन, हे पबजी के महान प्लेयर, आप पबजी ना खेलने के कारण फेल हो गए महाराज। हम पबजी ना खेलने से कैसे फेल हो सकते हैं, बोलिए। हे राजन, आपने पबजी के एक मैच में 2 किल किए और दूसरे मैच में भी 2 किल किए, तो आपने कुल कितने किल किए महाराज? 4। और गणित के परीक्षा में 2 और 2 आपने कितने लिखे थे महाराज? 5। महाराज क्षमा करें प्रभु, तो देखा आपने पबजी ना खेलने का नतीजा। हाँ महाराज, यही कारण है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए महाराज, अर्थात आप फेल हो गए महाराज। हमें क्षमा कीजिए कि हमने पबजी को त्याग दिया। नीच पापी दुष्ट। मंत्री जी, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हम भावनाओं में बह गए थे महाराज। इसका कोई तो समाधान होगा। समाधान है प्रभु। क्या? युद्ध। युद्ध? युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है? युद्ध से तात्पर्य यह है कि आप उन्हें युद्ध में परास्त करके शिक्षा विभाग को भी पबजी खेलने पर विवश कर दे महाराज। युद्ध की तैयारी किया जाए। चिंता ना करें प्रभु, हमने शिक्षा विभाग को पहले ही युद्ध की चुनौती भिजवा दिया है। अब होगा कत्लेआम। न्याय करो, तुम न्याय करो। तुम चाहो तो पबजी को त्याग कर अपने हाथों में पुस्तक थाम सकते हो। असंभव। अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही भयावह स्थिति में तुम्हें मिलेगा। मंत्री जी, हमारा सारा अस्त्र विफल जा रहा है। हे राजन, शक्तिमान द्वारा दिया गया दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें महाराज। उचित कहा मंत्री जी। लगता है शक्तिमान ने हमारे साथ छल किया है मंत्री जी। शक्तिमान भी शिक्षा विभाग के साथ मिला हुआ है महाराज। तो हम क्या करें? अब तो केवल एक ही अस्त्र है, परम शक्तिशाली, सभी गेमों को परास्त करने वाला महाशक्तिशाली शस्त्र, पबजी शस्त्र महाराज। पबजी शस्त्र अवश्य। अब हुआ तुम्हारा अंत।